के बेटी को उठा के लाएंगे हम? हमारे समाज के लड़का उठा के लाएगा उनके बेटी को? हाँ हमारा बेटी लेगा, उनका बेटी लेगा। अगर वो लड़की वापस नहीं आती है तो यहाँ के हिंदू आपके गलत निगाह से आपको देखेंगे, हो सकता है इससे भी बड़ा भयानक कोई समस्या आपके पैदा हो। प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आज हम लोग बुलाए हैं जिला में महाराजगंज प्रखंड के बलिया पंचायत में। एक लव जिहाद का मामला आया है जो 3 महीना पूर्व FIR हुआ। महाराजगंज थाना के द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, इसीलिए के लेकर के हम लोग वहाँ गए भी थे कल, प्रशासन से थाना प्रभारी से बात भी हुआ है। और इतना विलम्ब होने का कारण क्या है अभी तक कोई मीडिया नहीं गया है। हमको लगा कि मीडिया के माध्यम से हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत यह है कि देखिए बार बार ऐसा ही होता है कि हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। टारगेट करके जैसे आप लोग न्यूज़ वाले आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जैसे श्रद्धा के साथ हुआ, आपने अभी ताज़ा भागलपुर में अपना नीलम यादव के साथ हुआ, ऐसी बार बार बर्ताव हो रहा है। तो हमें तो चिंता होती है समाज की। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से अगर जुड़े हैं, हिंदुत्व का बीड़ा उठाए हैं, तो इस पर तो ध्यान हमको करना ही चाहिए। मतलब कि जो भी प्रेमी प्रेमिका बा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ठेका ले ले बा। देखिए ठेका नहीं खेले ले, लेकिन अगर जे भी ऐसा गलत करत आई गलत बा, एक पुरजोर विरोध बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद करेला करी। प्रेम करने के लिए जात पात देखना जरूरी है? देखिए जात पात नहीं देखना जरूरी है, लेकिन जब गलत होता है तो वो सही होता है क्या? उसके फैमिली वाले, आप वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके फैमिली वाले जब वहाँ गए हैं तो अपने माँ से लड़की बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, वो बालिक लड़की बता रही है। ठीक है, तो बालिक बता, अगर प्रेम जब कर रही है किसी के प्रेम पे जोर जबरदस्ती क्या है? देखिए अगर वो लड़की बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे तो आप भी समझ सकते हैं क्या दबाव है उसके ऊपर। क्या दबाव? दबाव है आप क्या नीलम यादव पर दबाव नहीं था? नीलम यादव को आप नहीं दिखा सकते हैं? आप लोग कोई मीडिया चलाया इसको नीलम यादव का रिपोर्ट को मारने से पहले? उन्हें कोई नहीं चलाएगा। जब मार दी जाएगी तब आप लोग आएंगे हमारे पास पूछने, भाई ऐसा क्यों हो गया? आप लोग हिंदुत्व का ठीका लेकर रखे हैं और लड़की आपके समाज की मारी जा रही है। क्या चाहते हैं इस मामला में, आप चाहते क्या हैं? देखिए हम लोग कल गए थे, लड़के के पिताजी से हम लोग को बात हुआ और बहुत सही ढंग से बात हुआ। उनसे हम लोग आग्रह किए हैं कि 15 तारीख तक लड़की को वापस बुलवा लीजिए। आप लोग का जो यहाँ हम देख रहे हैं वहाँ जैसे देखा गया कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भाईचारा बने रहे आपकी लड़की वापस आ जाने से। अगर वो लड़की वापस नहीं आती है तो यहाँ के हिंदू आपके गलत निगाह से आपको देखेंगे, हो सकता है इससे भी बड़ा भयानक कोई समस्या आपके पैदा हो सकता है। मतलब वो लड़का मुस्लिम है, मुस्लिम लड़का से प्यार किया, सिर्फ इतना से ही दिक्कत है? देखिए दिक्कत मुस्लिम लड़का से नहीं है, उनके कार्य से है। जैसे देखने को मिल रहा है समाज में श्रद्धा पे हो रहा है, नीलम यादव पे हो रहा है, अंकिता पे हो रहा है, कई हमारे हिंदू बहनों को काट दिया जा रहा है, फ्रिज में 35 टुकड़ा किया जाता है, फ्रिज में डाल दिया जाता है, इससे दिक्कत है हम लोग को। एक कर दिया तो सभी वही है? देखिए 99% आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग देख रहे हैं 99% ऐसा हो रहा है। अच्छा आप एक चीज बताइए, वही कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम समाज की लड़की से शादी करता है तब आप लोग क्या? भाई हिंदू तो कोई दिखाइए ऐसा हिंदू को लड़का को हिंदू मुस्लिम से शादी किया है, किसी बहन को हमारा इतना अपमानित होना पड़ा हो, कोई दिक्कत समस्या आया हो ऐसा बताइए, आप न्यूज में दिखाए हो हमको। लड़की तो गाँव में नहीं है, लड़की बाहर चली गई है, आप क्या चाहते हैं? जी वहाँ के पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके वो लड़की को रिकवर किया जाए। FIR हुआ है ना? जी FIR हुआ है। FIR पे देखिए यहाँ हम पहले भी बता चुके हैं मीडिया के माध्यम से कि जिला के सिवान जिला के खास करके पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं करता है। वहाँ पटना में हमारे साहब बैठे हैं, उनके हिसाब से जिला में काम होता है, सिवान जिला का काम खास करके। में कहावत है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, आपको क्यों तकलीफ है जब वो दोनों आदमी राजी हैं, एक साथ जीने मरने की कसम खाएं? ठीक है हमको तकलीफ नहीं है। काजी बने हैं आप? देखिए काजी बनने का हमें हिंदुत्व का एक जिम्मेवारी जब हमें लिया है, हमने विश्व हिंदू परिषद का जब दायित्व लिया है तो हमें भी जिम्मेवारी है कि हमारे सभी हिंदू समाज के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को सुरक्षा देना। अगर इसी हमारी कोई बेटी बहन गलत कर रही है, अभी नाबालिग है, बच्ची को धमका करके फुसला करके लिया जा रहा है, भाई उसको पहले अपहरण किया गया है उस लड़की को, कैसे कह सकते हैं कि बहला फुसला कर लेकर गया? साबित हो रहा है, वैसे ही साबित हो रहा है। आपके पास कोई? जी हमारे पास जो भी एडवांस मिला है हम आपको व्हाट्सएप पर सारा कुछ सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो भी FIR है उनका डॉक्यूमेंट है। लड़की तो बोले मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है देखिए अब वहाँ दबाव में है, धमकी दिया गया होगा उनके पीछे, उनके माँ बाप को मारने का धमकी दिया होगा, कैसे जाए? कौन लड़की बेटी चाहती है कि मेरे माँ बाप मारे जाए, हमारे भाई मारा जाए, हमारे बहन मारा जाए? मेरा एक और सवाल है,
आप वो लड़की जो है वो कोर्ट मैरिज की है? देखिए कोर्ट मैरिज हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट है जो उनके मदरसा से जो उनका सर्टिफिकेट जो बनता है शरिया हिसाब से वही हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है। अभी कोर्ट मैरिज का कोर्ट माने है जो मस्जिद में शादी होता है? देखिए हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानता है, हमारा हिंदू समाज उसको नहीं मानता, तो हम कैसे मान्य कर लेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 18 साल की लड़की है तो अपने राजी मंदिर से कहीं भी शादी कर सकती है। श्रीमान जी आप न्यूज नहीं पढ़े होंगे, आज 10 दिन पहले के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू लड़की से अगर कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है तो मान्य नहीं होगा, ये भी न्यूज पढ़ना चाहिए आपको। ये कोर्ट कह रहा है? जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू लड़की से कोई भी मुस्लिम लड़का शादी करेगा शादी मान्य नहीं होगा। पहले तो शादियां हुई है? हाँ पहले हुआ था, हाँ पहले होता था। देखिए जो कानून बनता है तब से नियम लागू होता है, पहले कानून का पहले कानून, अभी कल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। नहीं जा रहा है तब तक आप क्यों बीड़ा उठा रहे हैं? बीड़ा हम उठाए भाई, ये जो कानूनी प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, और कोर्ट श्रीमान जी सुनिए, जिला में चाहे पूरे बिहार में चाहे पूरे प्रदेश देश में देखिएगा, प्रशासन अगर जहाँ काम नहीं करता है वहाँ लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को याद करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, 3 महीने से प्रशासन के पास ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे, प्रशासन काम नहीं कर रहा, तब वो बजरंग दल को सूचना किए हैं, बजरंग दल गया है, आग्रह कर रहा है उनसे अगर सीधे रास्ते से नहीं आएंगे फिर हम टेढ़ा करेंगे, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। टेढ़ा क्या है मतलब? क्या टेढ़ा करेंगे भाई, उनके बेटी को उठा के लाएंगे, हम हमारे समाज के लड़का उठा के लाएगा उनके बेटी को, हमारा बेटी ले गए हैं उनका बेटी लाएंगे। कानून आपको इजाजत देता है ऐसा? देखिए का हमारा उनको कानून देता है जब किसी को बेटी को उठाकर शादी कर लेंगे? वो तो अपने राजा मंदिर से गई है। नहीं कौन कहता है राजा मंदिर से, जबरदस्ती घर से लेके गया है, वहाँ जाकर उसको राजा मंदिर कराया जा रहा है, वो गला के बढ़ा दिया थी माँ जामो थी मैं महाराज ने थाना में कहलवा दें कि लड़की अपने मर्जी से। कहने का मतलब है कि बाला फुसला कर उस लड़की को लेके? हाँ पहले उसको पागलपन का दावा दे करके जैसे भी वहाँ से जो हमको जानकारी मिला है वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ के अगल बगल के लोग हमको बताए कि पहले वो लड़की को अपहरण किया गया सुबह 6 बजे, जब जो लोग बाहर जाते हैं खेत घूमने जाते हैं उस समय 6 बजे लड़की को किडनैप किया गया, उसके बाद उसके बहन के यहाँ रखा गया उसके लिए सुबह। हाँ सुबह उसके अर्थी किडनैप किया गया, उसके बाद गोपालगंज जिले में उसकी लड़का का बहन रहती है, बहन के यहाँ एक दिन रखा गया है, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई शुरू की है तो वो लोग लेके बॉम्बे भागा है, बॉम्बे में जो सिम से वो लोग लेके गया था वो सिम टॉर्च पुलिस ने ठीक किया तो उस पर बॉम्बे का रिपोर्ट दिखाया, फिर उसके बाद वो सिम बंद है, पुलिस अभी अपना जांच पड़ताल में लगी हुई है, हम लोग पुलिस में भी दबाव बनाए हुए हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके लड़की को रिकवर किया जाए, अन्यथा उस गांव में माहौल खराब होगा। अगर वो लड़की रिकवर नहीं होती है तो आप लोग क्या कदम उठाइएगा? देखिए वही हम आपको पहले बता चुके हैं कि माहौल धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, वहाँ के जो हिंदू हैं वो भी अपने आप मान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए कल उनकी बेटी भागी है परसों उनकी बेटी भागेगी, वहाँ के लोग पूरा आक्रोश में हैं, हम लोग कल वहाँ समझा बुझा करके आए हैं लोगों को कि 15 तक समय आप लोग लीजिए, प्रशासन से भी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से भी वहाँ के MP साहब हैं जनार्दन सिग्रवाल जी से भी बात संपर्क हम लोग साध रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी लड़की घर वापस ही आ जाए, इस मामला को शांत किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम परमेश्वर कुमार है, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री सिवान।